वेलकम एवरीवन टू इंडियन आइडल। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से ढेर ढेर सारी मुबारकबाद। परफॉर्मेंस जो था ना एकदम जंगली परफॉर्मेंस था। थैंक यू। देखना कैसे लोग एंजॉय कर रहा था। फैंटास्टिक। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। और ये खास तौर से श्रेया आपके लिए, क्यों आपने आई थिंक पिछली बार कहा था उनको। मैंने कह तो दिया था बट मुझे नहीं लगा था आप सच में कुछ ऐसा करने वाले हो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। रफी साहब और शमी कपूर जी का वो जो मैडनेस है इस गाने में, उसको आपने ना केवल गायकी में बट एक्टिंग में भी लाए। इस कोशिश के लिए तो सच में क्या बात। आपने आग लगा दिया स्टेज पे। Thank you. मैं आपका नेम थोड़ा सा चेंज कर दूं, आप लोग इसको क्या स्लो मोशन बुलाते हो? का नाम पीयूष पटाखा रख सकते हैं क्या? पीयूष पटाखा। दिवाली पे क्या ऐप नाम पाया आपने, वाह। ऐसे ही करना है अभी, धमाकेदार। वैसे एक और धमाका है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो अपने दिल को संभाल के रखिएगा। वो देखिए, ओहो, अरे वाह, ओ ओहो।
इफ लुक्स कैन किल। ये एक जमाने में हमारे लक्ष्मण प्रसाद लकी भी हुआ करते थे। मैं जानना चाहूंगी फिर क्या हुआ लकी। जैसे जैसे मैं अपनी म्यूजिक की जर्नी में और आगे बढ़ता गया, मेरे गुरुजी से मैं मिला, डॉक्टर रोशन भारती सर से, फिर उन्होंने मुझे क्लासिकल, गजल और भी अलग अलग जॉनरा सिखाने शुरू किए। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इन सारी चीजों में मुझे नहीं रहना चाहिए। फिर खुद को मैंने थोड़ा थाम लिया, फिर वो धीरे धीरे वो म्यूजिक जैसे जैसे मैं सीखता गया तो शायद मेरी पर्सनैलिटी पे भी वो दिखने लगा। ये भी कोटा से हैं जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, और जिनकी बात करें रोशन भारती सर, उनके साथ भी मैंने थोड़ा वक्त गुजारा है, उनसे भी थोड़ा सीखा है मैंने, तो आज पता चला हम तो गुरु भाई और बहन हैं। बोल भी हो ही जाए हमारे जजेस की तरफ से। रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना अंतरा था ना इस गाने में, was stunning। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढूंढना भी तेरे नाले जिंदड़ी बितावा। जैसे वो अंतरा के ऊपर के नोट्स गए, आवाज खुली, फिर भी इतनी स्मूथ, यू हैव दैट क्वालिटी अबाउट यू, सो फैबुलस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या है कि बॉम्ब जब फटता है तो धमाका होता है ना, तो ये इंडियन आइडल का बॉम्ब है। बहुत अच्छा गाया तुमने, थैंक यू सर। एंड टोनल क्वालिटी एंड योर एक्सप्रेशन वाइज आर फैंटास्टिक। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। ओबम, मैं जब आपकी आवाज़ को सुनता हूँ मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें आप लेते हो, इतने सॉफ्टली लेते हो, एंड आपकी जो एक आवाज़ है वो ऐसे लगती है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए रेडी है, स्टूडियो सिंगिंग के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं एक्चुअली आज तुम्हारा फैन हो गया। थैंक यू सो मच सर। वाह वाह वाह। जजेस, हमारी जो प्यारी सी अनन्या है उसकी फैन फॉलोइंग दादा इतनी बढ़ गई है
कि हजारों फोन कॉल आते हैं उसे दिवाली विश करने के लिए, 4000 से भी ज्यादा फोन कॉल आए, लेकिन जैसे अनन्या फोन उठाने जाती है फोन कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दादा सारे फोन कॉल कटा से आते हैं, इसलिए कॉल कट जाता है। कॉल कटा से आते हैं इसलिए कॉल कट जाता है। दिवाली फैमिली वाली रिप्रेजेंटिंग आइडल जिसका परिवार भी है और घराना भी, अनन्या पाल। अनन्या ने सबसे पहले तो बड़े प्यारे लग रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो साड़ी में। थैंक यू, कितनी प्यारी लग रही है आज। थैंक यू मैम। एक्चुअली आज मम्मी ने मुझे सजाया है। मम्मी ने मुझे सजाया। मुझे अनन्या है ही इतनी प्यारी, वो बहुत प्यार से पहनती है कोई भी चीज। आद्या तो कभी नहीं पहना उसने कुछ भी, उसको कोई मेकअप का शौक नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब तो क्या है कि अनन्या मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे शौक जो है ना मैं उससे पूरा करूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस कि ये जो आपका रिश्ता बना है, ये दो बहनें हो गई हैं, एक बहुत प्यारा सा माँ और बच्चे का रिश्ता बन गया यहाँ पे। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। ओके एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनन्या। थैंक यू। रघुकुल रीत सदा चली जाए पर वचन न जाए। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तादिया नदी देरता ना देरे नू
अनन्या, तुम्हारे नाम का मतलब जो है ना, तुम जैसी कोई नहीं, एक तुम ही हो, वो सच में आज तुमने प्रूव कर दिया। आज आपने समा बांध दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू समा। दिस सॉन्ग इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, मतलब श्रेया के लिए आसान है, बट नॉर्मल जो इंसान है उनके लिए बहुत मुश्किल है ये गाना, और आपने वो आज करके दिखाया स्टेज पे, एंड शी गेव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। श्रेया मैम, वी हैव टू हियर यू सिंग दिस सॉन्ग, कम ऑन। नहीं, प्लीज कम ऑन। क्या बोल रहे हो? कम ऑन, ओह माय गॉड, लेट्स गो। आउट्रो करो। दिवाली फैमिली वाली में अब बारी हमारे अगले गेस्ट की, सो प्लीज वेलकम। बेशरम रंग घुंघरू टूट गए, खुदा जाने मन मर्जिया तेरे हवाले जैसे चार्टबस्टर गानों की ब्लॉकबस्टर सिंगर, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर, शिल्पा रॉय। मुझसे ज्यादा तो मेरे घर पे सब फैंस हैं इनके, बहुत बड़े तगड़े फैंस हैं मेरे। मॉम डैड अभी भी बोलते हैं तो बचपन में ऐसे गा लिया होता तो और भी अच्छा होता। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग ऑल यू लवली पीपल। या सीरियसली, दिवाली फैमिली वाली में प्रेजेंटिंग कोलकाता की उम्मीद शुभदीप दास चौधरी। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। राजा
से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, मैं माता हूँ पगडंडी लब दी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं, तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा वे की करा, राजन दयार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, बन बन दिगार धमाकेदार धमाकेदार, पावर दिखाया, एनर्जी दिखाया और साथ में गाने से हिला नहीं, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। इसको बोलता है दीपावली के धमाकेदार पटाखा। चुबो, आप जहां तक मैं जानता हूँ आप तो क्लासिकल सिंगर हो, आपकी ट्रेनिंग आपकी सारी हस्ती क्लासिकल म्यूजिक में बेस्ड है, फिर आप यहाँ पे आके ऐसे मतलब तोड़ताड़ वाले गाने ऐसे परफॉर्म कर रहे हो जैसे ये आपका घर है, तो आप डिसाइड कर लो यार कितने घर लोगे। मुझे लगता है शुभदीप जैसा आर्टिस्ट अपने घराने बनाता है, ऐसे परफॉर्मेंस दोगे तो अपने आप एक शुभदीप घराना बन जाएगा। आज का परफॉर्मेंस ना ऐसा लगा कि शुभदीप ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। एग्जैक्टली, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू शुभदीप, यू आर एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। ये बहुत कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था क्योंकि मेरा रूह का परिंदा फड़फड़ आ रहा है लेकिन फिर भी आई कांट लेट इट गो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि हाँ सुर भी लगना चाहिए और वो अग्रेशन भी आना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट है और ये एक रियाजी गला बहुत आसानी से कर सकता है। सो आई एम आपने सीखा हुआ है तभी आप ये कर पा रहे हो। देयर यू गो पीपल, प्लीज गो लर्न म्यूजिक। ये परफॉर्मेंस जो था इससे ज्यादा लिट था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों दिवाली फैमिली वाली में प्रेजेंटिंग सर्वगुण संपन्न सुशील मराठी मुलगा उत्कर्ष वांगडे। हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, के अब ना किसी और से लागे जिया, हजारों में किसी का तकदीर ऐसी मिली है एक राधा और हीर जैसी, न जाने जमाना क्यों चाहे रे मिटा कलंक नहीं इश्क
पीती है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया 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 रे चाहरे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया What you did today, it was just a start, and I hope you keep doing this for all your life. Yes, definitely. क्या गाया तूने यार? इतना खूबसूरत फील था तेरा गाने में. एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आँख बंद करके खाली सुनते जाओ. दिल बाग-बाग कर दिया, खुश हो गया दिल. Fantastic singing. God bless you, यार. Okay, sir. Thank you. उत्कर्ष, तुम इतने young एक prodigy हो. मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसको उसका कुछ अंदाजा है नहीं कि इसमें कितनी डेप्थ, कितनी इमोशंस और मैच्योरिटी है टू अंडरस्टैंड अ सॉन्ग लाइक दिस. ये गाना हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, क्या बात है, नोट्स है, सारे नोट्स है. तुमने जो किया है, I really want to give a standing ovation for this. Really, well, well done. Thank you. दोस्तों, एक बार परिवार से दूर होकर दिवाली की मिठाई खाकर तो देखो, तब आपको एहसास होगा कि असली मिठास उन मिठाइयों में है ही नहीं, परिवार के साथ होने में है. और हमारी अगली सिंगर मुस्कान के परिवार ने न जाने कितनी दिवाली अलग होकर मनाई, लेकिन इंडियन आइडल के मंच ने अब उनमें एक उम्मीद जगाई है.
बहुत जल्द जश्न होगा, खुशहाली होगी और जब पूरा परिवार एक साथ आएगा तो हर दिन ही दिवाली होगी। तो दिवाली फैमिली वाली में प्रेजेंटिंग परिवार की मुस्कान, म्यूजिक का वरदान। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुस्कान श्रीवास्तव। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। क्या बात, दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की गाने जो गाए हैं संजय लीला भंसाली सर के लिए, उसमें से ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। तुम्हारी जो आवाज़ है ना, इस आवाज़ में ही एक मुस्कान भी है और जो इस गाने में ज़रूरी था ना, एक रोमांस तो है, एक नशा भी है, एक एटीट्यूड भी चाहिए इस गाने में, क्योंकि प्यार का ऐलान है लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो ऐलान किया जा रहा है। तो वो तुम अंतरे में इतना जबरदस्त लाई ना, मैं बहुत खुश हो गई। और ऐसी ऐसी जगह ली है तुमने, छोटी छोटी जगह है। जो जगने ना मानी तो मैंने भी खानी, कहा थी मैं देखो कहा चली आई। क्या कमाल कर गई तुम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैबुलस। मेरे हिसाब से ना ये परफॉर्मेंस रियली वाज एक हाई फाई शबाशी वाली परफॉर्मेंस थी। आई वॉन्ट टू गिव यू हग, प्लीज कम हियर। Muskan, you were excellent. You're par excellent today. Thank you. This is the best Diwali gift for me. I'm sitting here and listening to great music. Thank you so much. Music, yeah, yeah. इस गाने की जो original गायिका हैं, she's a demon in human form. So sweet. You're too kind. आपने genuinely बहुत बेहतरीन गाया। अंतरे की शुरुआत जब आपने की तो मेरे such a lovely straight note की ऐसे कांच की तरह कटता है वो। श्रेया,
जाए दुलाई। जख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। वाह। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। वाह वाह। जो जग ने ना मानी तो मैंने भी ठानी, कहां थी मैं देखो कहां चली आई। कहते हैं दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की मुस्कान, आप दिवाली कैसे मनाते हो और आप इस बार शायद I'm sure आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। सुबह ही हमारी शुरू होती है मम्मी के खाने से। इतना टेस्टी खाना बनाती है उस दिन। उनकी हाथ की स्पेशल एक गुजिया है और वो इतना टेस्टी होता है कि आप खाओगे तो आप 4-5-6 खाते रह जाओगे, इतना टेस्टी होता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, बट उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी है और मुंह खुला रखना है बड़ा सा। आंखें बंद, कुछ नहीं दिख रहा ना। आया आया बुजी आया, बुजी आया और गुजिया आया, गुजिया आया। अरे बड़ा वाला टेस्टी है कि नहीं। अच्छा अब आंखें खोलो। कुछ नहीं नक्स ना ही साया, कुछ नहीं तेरे बिना है मेरा, कुछ नहीं मैम जी मेरी बहन है, छोटी बहन, हम इसे प्यार से गुनगुन बोलते हैं। हाय गुनगुन। और ये मेरा भाई है, छोटा भाई शाश्वत। यार आप दोनों का स्वागत है इंडियन आइडल के मंच पे। एक बार उनके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। हाय गुनगुन, बड़ी क्यूट हो आप। हेलो। आपको कैसा लगा दीदी से मिलके? अच्छा लग रहा है बहुत ही ज्यादा। हम बता नहीं सकते हम कितने लकी हैं कि मुस्कान दीदी हमारी बहन है। हम उनको बहुत मिस कर रहे थे जब वो यहाँ आ गई थी, क्योंकि यही है जो हमारी प्रॉब्लम नॉर्मली हमेशा सॉल्व कर देती हैं। इनको बताना नहीं पड़ता हमें क्या हुआ है, इनको वैसे ही पता चल जाता है। मेरा भी छोटा भाई है, मुझसे 7 साल का छोटा है, वो भी दूर रहता है मुझसे, मैं बहुत मिस करती हूँ। पर दीदी के सपने पूरे करने के पीछे ना मेरे भाई ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और मुझे लगता है इन दोनों का भी बहुत साथ है तुम्हारी लाइफ में। ये दोनों मतलब छोटे हैं मुझसे लेकिन बहुत मैच्योर है। मतलब मेरा तो सिर्फ इतना काम है कि इनको कोई कमी ना हो किसी चीज़ की, मतलब मेक श्योर करती हूँ। बट मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आ रही थी, मुझे बहुत टेंशन थी कि कैसे चलेगा सब कुछ। गुनगुन मेरे बिना रहती नहीं है और शाश्वत का कैसे होगा, स्कूल कैसे होगा, आगे कैसे होगा। लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये भी उस कंडीशन में भी मुझे बोलते हैं कि जाओ हम अपना देख लेंगे। मतलब इतने सपोर्टिव भाई बहन, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी के भी हो सकते हैं। एक बार फिर से मुस्कान के लिए, के भाई के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। दादा बेशरम रंग, बेशरम रंग, जो काला है, जो काला है ऐसे।
दादा इत्तेफाक देखिए, गाने के कंपोजर, गाने के सिंगर सब एक जगह पे है। आ जाओ एवरीवन, विशाल दत्तानी एंड शिल्पा राव ऑन बेशराब रंग। तो अब हमारे शो का वो वक्त आ गया है जो मैं पसंद तो नहीं है लेकिन करना बहुत जरूरी है। इंडियन आइडल सीजन 14 का हमारा पहला एलिमिनेशन। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। तो जजेस के स्कोर्स के हिसाब से जो बॉटम थ्री में है, आध्या मिश्रा, ओबोम टंग, तीसरा नाम गायत्री, सो कंग्रेचुलेशंस, आप सब लोग इस हफ्ते सेफ्टी जोन में हैं और आपके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस ने आपको एलिमिनेशन से सेफ रखा। इट्स रिजल्ट टाइम। वो पहला नाम जो सेफ है वो है आध्या मिश्रा। अब हमारे पास दो सिंगर्स हैं यहां पर, गायत्री ओबोम। जो कंटेस्टेंट सेफ है वो नाम है ओबोम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।